गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग साहित्य संचयन नामक पाठ्य पुस्तक से अवकाश वाली सभ्यता नामक कविता को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिन्हें हम राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं, दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। यहाँ पे वह बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया घूमकर जो मानव जाति है वह इस निश्चय पर पहुंच जाएगी कि जो सारा विज्ञान उन्होंने सारा भार जो उन्होंने विज्ञान पे डाला, यानी मशीनों पर इतने ज्यादा आधारित हो गए हैं कि इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और अवकाश वाली सभ्यता इतनी सुविधाएं मनुष्य को उपलब्ध करा रही है, उसे अपने हाथ पर चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, और यही कर्म के अभाव को दर्शाता है। और कर्म का अभाव मनुष्य को अंधकार की खाई की ओर ले जाता है। और यह स्थिति पूरी तरह विज्ञान को जिम्मेदार नहीं ठहराता, बल्कि इसके लिए मनुष्य खुद ही दोषी है, क्योंकि कवि जो है वह पूरी जिम्मेदारी विज्ञान को ही नहीं दे रहे, पूरा जिम्मेदार विज्ञान को ही नहीं ठहरा रहे, वह मनुष्य को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धि संपन्न प्राणी है। उसे क्या करना है क्या नहीं करना, अगर वो इतना नहीं सोच सकता तो और वह आगे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सारा दोष यहाँ पे कवि मनुष्य को ही दे रहे हैं। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। हाँ, ये अच्छा है कि काम से थका आदमी आराम करे। यहाँ वह बोल रहे हैं कि आदमी को उन्होंने कर्म की ओर आगे बढ़ाया है, कि आदमी को खुद ही अपना कर्म करना चाहिए, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए और उसे निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है कि आराम करना चाहिए। कब आराम करना चाहिए? जब हम अपना काम करके थक जाए। यह नहीं कि मशीन के ऊपर आधारित हो के हम बस आराम से बैठे रहे और सारा काम मशीन करता रहे या कोई और करता रहे, बल्कि कवि यह चाहते हैं कि मनुष्य खुद काम करे और खुद ही उस काम से थक कर आराम करे, यूं ही आराम ना करे। इन प्रस्तुत पंक्तियों की आप लोग सविस्तार व्याख्या करें। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे, और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।